नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में जो है सलाहकार या परामर्शी की नियुक्ति निकली है, यानी कि नियुक्ति होनी है। और इसके अंतर्गत आप जो इसका पूरा जो विवरण है वो आप इस साइट urtssc.uk.gov.in पर देख सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/10/2023 है। आइए देखें कि इसके बारे में और क्या जानकारी दे रखी है। देखिए, सलाहकार जो परामर्शी की नियुक्ति है, इसके अंतर्गत आप अगर देखें तो ये आपका विवरण रहा वही है कि इसमें जो योग्यता दे रखी है वो किस आधार पर दे रखी है। ये देखिए, अनिवार्य अर्हता, अर्हता का मतलब योग्यता। आप देखिए कि राजकीय विभागों में कार्य करने का अनुभव 20 वर्ष का हो, यानी उसने सरकारी विभाग में कम से कम 20 साल तक कार्य किया हो और उस कार्य करने का अनुभव उसके पास हो। नंबर दूसरा, प्रशिक्षण या निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव हो, यानी कि कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने का उसके पास अनुभव हो, इतना उसने कहीं किया हो काम। तीसरा है, सुशासन सुराज तथा नागरिक अधिकार आधारित अधिनियमों से संबंधित संस्थाओं में कार्य का अनुभव, यानी कि नागरिक अधिकार से संबंधित कोई ऐसे विभाग हो, अधिनियम हो, जिनसे वो जुड़ा हो व्यक्ति, इनमें से कोई भी अर्हता अगर योग्यता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास और योग्यता, यानी कंप्यूटर हो या सेवा का अधिकार आयोग में कार्य का अनुभव हो तो और भी अच्छी बात है। कार्य की प्राकृति कैसी होगी इसमें, तो देखिए कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो समय समय पर अधिसूचित की गई सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन सामान्य में जानकारी उपलब्ध कराने या सरकारी तंत्र की कर्मियों में लोक सेवा की भावना को जागृत करने एवं सुशासन दृष्टिगत राज्य के नागरिकों को सहज रूप से सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फील्ड विजिट विजिट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य, कार्यशाला, निरीक्षण कार्य आदि का आयोजन किया जाना होता है। तो इसमें जो है आप लोगों की एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो। संविदा अवधि जो है आप जो है देखिए कि परामर्श की नियुक्ति 31/3/2024 की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी, जिससे आयोग की आवश्यकता एवं सलाहकार परामर्श के प्रदर्शन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। स्रोतों पर कर कटौती, अगर आप देखें कि प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती योग्य आयकर या अन्य कर भुगतान करने से पहले स्रोत पर कटा जाएगा, जिसका TDS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवेदन जमा करने हेतु दिशा निर्देश ये दिए गए कि आवेदन का पत्र प्रारूप प्रत्येक दिशा में सचिव उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से 10/10/2023 तक प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, ऑफलाइन है। आयोग को पूरे विज्ञापन या कुछ विभाग को रद्द करने और किसी भी स्तर पर सलाहकार परामर्श की नियुक्ति के मामले में आगे बढ़ाया बिना कोई स्पष्टीकरण दिए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आप देखिए, जो इसमें जो योग्य हैं, जो इसमें अप्लाई करने के इच्छुक भी और योग्य भी हैं, वो इसमें कर सकते हैं। 3वीं जो शर्त है वो है, नियुक्ति के अन्य नियम व शर्त सरकार के अनुसार लागू की जाएंगी। इंटरव्यू में शामिल होने वाले यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आप देखिए कि इसका जो प्रारूप है, आवेदन का प्रारूप ये रहा। किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और ये मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो योग्य व्यक्ति हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इच्छुक व्यक्ति। धन्यवाद।